प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यह वैक्सीनेशन का अभियान फिर प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश है बेटे बेटियों कि हम इसी महीने में 20 तारीख तक ही अपने 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित बना दें, उनको सुरक्षा चक्र दे दें। मैंने कहा कि हम बाकी गतिविधियां भी नहीं रोक रहे, भगवान करे रोकना भी ना पड़े, कॉलेज स्कूल चलते रहे, लेकिन जरूरी है कि मास्क की सुरक्षा हमारे साथ रहे, मास्क जरूर लगाए रखें। और इसलिए मैं अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि कृपया करके मास्क लगाना अपने जीवन की आदत बना लें। जब तक ये वायरस है, ये वैक्सीन और मास्क दो चीज लगी, मास्क तो लगा रहेगा, वैक्सीन तो एक क्षण में लग जाती है, तो हम बहुत कुछ सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को कष्ट और संकट में नहीं देखना चाहते। मैंने कहा कि हम बाकी गतिविधियां भी नहीं रोक रहे, भगवान करे रोकना भी ना पड़े, कॉलेज स्कूल चलते रहे, लेकिन जरूरी है कि मास्क की सुरक्षा हमारे साथ रहे, मास्क जरूर लगाए रखें। और इसलिए मैं अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि कृपया करके मास्क लगाना अपने जीवन की आदत बना लें। जब तक ये वायरस है, ये वैक्सीन और मास्क दो चीज लगी, मास्क तो लगा रहेगा, वैक्सीन तो एक क्षण में लग जाती है, तो हम बहुत कुछ सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को कष्ट और संकट में नहीं देखना चाहते। मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके, पढ़ाई चलनी चाहिए ना, क्योंकि 2 साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई में भी हमने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन और स्कूल में आके पढ़ने में अंतर होता है कि नहीं होता। और इसलिए कोशिश यह है कि स्कूल भी खुले रहे, बाजार भी खुले रहे, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन कोरोना की लहर का मुकाबला करके उसको भी हम हरा दें, पराजित कर दें। अभी दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, केस आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि वो जिनको संक्रमण होता है वो उतना गंभीर नहीं होता जितना दूसरी लहर में हो रहा था, क्योंकि उनने वैक्सीन लगवाई है। अभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा अपने पास है। वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, और जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम वायरस का मुकाबला कर लेते हैं, हमारा शरीर मुकाबला कर लेता है। इसलिए होता तो है संक्रमण, लेकिन उसके कारण हम गंभीर होने से बच जाते हैं, कई को होता भी नहीं है, और हुआ तो भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती।